सिवान में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पचरुखी प्रखंड के सादिकपुर में कोरोना मरीज मिलने के बाद आसपास के गांव को सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से बांस और अन्य सामानों से रोड को बंद कर दिया गया है ताकि आवागमन न हो सके। और आपको बताते चले कि प्रखंड के सादिकपुर गांव के 3 किलोमीटर के अंतराल में जो भी गांव है उसे पूरी तरह से सील किया जा चुका है। जैसे बलुआ टोला, मखनूपुर, बाबा मोरमठिया, सादिकपुर, पकुआ इनार, सादिकपुर मंदिर और मल्लूपुर नहर के पास जो बर्रम की तरफ जाने वाली रास्ता है उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पचरुखी से धनंजय पांडे की रिपोर्ट। सादिकपुर में निकला हुआ है तो उधर बलुआ टोला, पचरुखी टोला उधर में सील किया गया है, पकुआ इनार किया गया है, फिर उधर चंपा वाला उधर में भी सील किया गया है, फिर बाबा मोड़ पे सील किया है और ये यहाँ सील किया जा रहा है। कौन गाँव है? अपना नाम बताइए। क्या है यहाँ का?